हमारा यार, एक और लेट हमारी होने वाली बस। क्या गजब ग्रिल कर रहे हैं यार भाई साहब, ये अभी आपने स्टार्ट किया। सत्यकाल खवातीन हजरात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। आज हम लोग आपके लेंगे जनता स्वीट होम, जो कि नया यहाँ पे एक अभी जलजोक के पास में एक नया उन्होंने जनता स्वीट होम वालों ने एक अपना ब्रांच खोला है। बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब आपको वहाँ पे नमकीन से लेके आइसक्रीम से लेके सब कुछ, मतलब ए टू जेड स्वीट और सब कुछ मिल जाएगा। और साथ साथ में उनका अभी रेस्टोरेंट भी स्टार्ट हुआ है। चलिए सीधा वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के बात करते हैं। गोयल हॉस्पिटल के एकदम सामने, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए सीधा चलते हैं जनता स्वीट होम और वहाँ चल के बात करते हैं। रेजिडेंसी रोड पे है, सामने गोयल हॉस्पिटल के सामने देखिए जनता स्वीट होम का बोर्ड आपको दिख रहा होगा। ये भी रिसेंटली इन्होंने ओपन किया और बहुत ज़बरदस्त इनका जो टेस्ट है वो इन्होंने, मतलब आज इतने साल हो गए, क्वालिटी पूरी मेंटेन की हुई है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये देखिए क्या बात है, जनता स्वीट होम पे आप आ गए हैं और यहाँ जाके हम लोग इनका रेस्टोरेंट भी ट्राई करेंगे और इनका खाना भी ट्राई, मतलब वो अब बाकी जो स्टार्टर्स है वो भी ट्राई करेंगे। आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी ये न्यूली ओपन ब्रांच है। साथ में हमारे साथ, क्या नाम सर आपका? प्रवीण जी। और ये राम किशोर जी और प्रवीण जी इन्हें पूरा गाइड करेंगे। देखिए बाल इनका पूरा लाइव काउंटर लगा हुआ है। चलिए पहले दिखाएं भैया क्या क्या दिखाएंगे आपको। ये देखिए पनीर टिक्का है भाई साहब, लगा रहे एकदम गर्मा गर्म। रेस्टोरेंट में यहाँ पे टिक्का यहाँ पे बना के रखा है भैया, एक तो वो दिख रहा और हम लोग ऑर्डर भी करेंगे इसको। हाँ, तो पनीर कितना फ्रेश दिख रहा है वो लाओ भैया, दो दिन दिखाओ मुझे। ये देखिए पनीर की क्वालिटी देखो यार, जबरदस्त। तो हम लोग ये ट्राई करेंगे, एक तो हम लोग ये ट्राई कर लेंगे। और क्या है प्रवीण जी, आगे आ जाए अपना पानी पूरी पूरा पानी पूरी का काउंटर जाता है। और देखिए एकदम नीट एंड क्लीन ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये आलू की किस्म, आलू की किस्म बना रहे हैं, बंडी बना रहे हैं ये सीखिए बंडी। देखिए आप क्वालिटी देखो, जबरदस्त यार। प्रवीण जी खुशबू भी आ रही है इसमें यार। स्पेशल राज कचौरी जो आप बनाते हैं, तो हम लोग तो यहाँ पे आपका पनीर की तरफ ट्राई करेंगे। आलू पनीर देखिए, यहाँ पे जलेबी बनती है, जलेबी हम लोग सुबह करके दिखाओ भैया, जलेबी बनाओ, देखो मेरे पास जलेबी बनाओ। ये भी देखिए एकदम कम पूरे इसमें ये बना रहे हैं। ये भी घी का पूरा देसी घी में बनती है। और ये अभी नया स्टार्ट हुआ, पहले मैं आ रहा था शूट करने के लिए, लेकिन यहाँ की जो मैनेजर है उन्होंने कहा कि हमारा रेस्टोरेंट भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बाद आना। तो अभी इसके रेस्टोरेंट भी आपको पूरा दिखाएंगे। पनीर जलेबी बनाए, जब तक ये बना रहे थे मैंने कहा इनका ये पनीर टिक्का का मैंने एक स्लिप कटा दी है। और हम लोग आलू टिक्की भी ट्राई करेंगे। देखिए गर्मा गर्म जलेबी यार, ज़बरदस्त। और आप यकीन माने, अगर हम लोग सुबह कहीं से उठिए, बहुत कुछ भी मैं हम लोग खाते हैं ना, तो सुबह अगर मैं लेके आता हूँ सिर्फ जनता से ही मैं लेके आता हूँ हमेशा। और आपको ऐसा नहीं कि आप एक किलो आप लोगे तो गर्मा गर्म निकाल के देंगे, अगर आप पाव लोगे तो भी आपको गर्मा गर्म निकाल के देंगे। ये बहुत कम जगह मैंने देखा, वरना ऐसे बड़े बड़े जगह थे यहाँ पे सब कुछ फ्रेश बनाते हैं कारीगर है। अच्छा अनूप सिंह जी, ये पूरा बताते होंगे यहाँ पे वाकई में ज़बरदस्त जलेबी बनाते हो ज़बरदस्त। ये देखिए गर्मा गर्म कचौरी उन्होंने निकाली है, देखिए। तो ये पूरा इनका लाइव काउंटर यहाँ पे, प्याज की कचौरी है। कोफ्ते भी आप लोग रखते होंगे ना। और यहाँ पे इनका लाइव पूरा देखिए, इन्होंने पूरा डिस्प्ले किया हुआ है सारे इनके पूरा छत्तर हो, पूरा इनका रेड रांची का स्पेशल उन्होंने एक ऐड बनाया था। ये देखिए मट्टी की आइसक्रीम है पूरी, ये जाम हो रहा है जाम। ये कट कर दोगे ना पूरी? ये देखिए पूरी कट करके रखा है, ये हम तो खाने खाने के बाद जाएंगे। ये पूरा बर्फ का घेरा है, बर्फ के घेरे के काउंटर एकदम बिल्कुल है, मतलब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ए टू जेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए प्रवीण जी, हम लोग पनीर टिक्का ट्राई करते हैं या पहले? ये देखिए पूरा इन्होंने यहाँ पे कितने फ्लेवर इसमें भैया? 12 फ्लेवर्स है। देखिए पूरा इन्होंने लाइव यहाँ पे काउंटर लगाया हुआ है, आप बोलेंगे जो आपको ये पूरा स्कूप बना के दे देंगे उसमें से 12 फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे। आप चलते हैं अंदर। ये किसी को अगर आपको गिफ्ट देना है तो आपको देखिए इन्होंने, ये देखिए पूरा ड्राई फ्रूट इन्होंने बना के रखा है। और अगर आप इस क्वालिटी की बात करेंगे तो जनता की तो क्वालिटी पूरे जोधपुर में फेमस ही है। ये पूरा बेकरी का आइटम है, मतलब ए टू जेड सारी चीज़ आपके यहाँ मिल जाएगी ना। देखिए फ्री, देखिए क्या आवाज़ जबरदस्त है।
पूरा इन्होंने सेटअप किया हुआ, मतलब मिठाई से लेके नमकीन से लेके बेकरी आइसक्रीम सब कुछ मिलेगा। ये देखिए ये सब अपने यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना, देखिए एकदम सॉफ्ट है यार। ये गार्लिक ब्रेड है, ये टोस्ट है ना, और यहाँ पे इनकी मखाने लस्सी दिखाओ भैया, मखाने लस्सी दिखाओ। और ये सॉफ्टी सॉफ्टी की आपको बताइए कि सॉफ्टी किसको पसंद नहीं होती है। ये देखिए मखाने लस्सी, और पूरी इन्होंने ब्रांडिंग की भी, देखिए पूरा जनता का मखाने लस्सी ब्रांडिंग भी जबरदस्त इन्होंने की है। और ये मैं देखा अभी कुछ सालों में इन्होंने ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे क्या हुआ एकदम बूम इन्होंने मतलब अभी मार्केट में किया हुआ है। और अगर आप जलजोग की ये ब्रांच की बात करेंगे रेजिडेंसी रोड की, तो वाकई में यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। आ जाए आपको ये भी दिखा दें खामन, यहाँ पर इनका ये खामन है, आपको तिरंगा खामन मिल जाएगा, पनीर खामन मिल जाएगा, ये सब सुबह वाला आइटम है। ये बर्गर एंड यहाँ पे सैंडविच खामन भी मिल जाएगा, और ये क्या भैया ये, अच्छा ये फ्राइड खामन है, खान नहीं मिल जाएगी आपको, वाकई में जबरदस्त है। ये आप अभी लॉस्ट हो, कौन सा वाला खमन, प्लेन वाला जो खमन खत्म हो गया, इतने सारे खमन है यार खाने वाले, तो ये भी खा लेंगे नहीं। चलो आ जाए वहाँ चलते हैं, आप देखते मिठाई है। ये नारायण सिंह जी है जो सिर्फ ड्राई फ्रूट के पूरा वेराइटी बताओ भैया, ये 56 भोग इनके पूरे इसमें 56 वैरायटी के इन्होंने रखे होंगे। देखिए ये जन्माष्टमी पूरे ड्राई फ्रूट जिसमें, और ये जन्माष्टमी के हिसाब से इन्होंने अभी लॉन्च किया है। इसमें सिर्फ बकलावा स्वीट्स है, ये बकलावा भी मिलता है क्या बात, देखो ये पूरा इन्होंने बकलावा भी बनाया हुआ है, जबरदस्त। ये देखिए पूरा इन्होंने पूरा ये जो मिठाई का पूरा सेक्शन इन्होंने अलग ही रखा है, बहुत सारी कितनी वैरायटी हुई है, बहुत सी वैरायटी हुई है, पूरे काजू पिस्ते के आइटम है यहाँ, जैसे ये सारे देसी घी है, सत्तू है ना, सत्तू है स्पेशली बनाया गया आपने, ये राखी के हिसाब से ईच पे बनता है ये। आपको बता हुए अपने वहाँ पे देसी घी वाले जो है वो लाल बट्टी वाले, उनके यहाँ पे हमने शूट किया था, और उन्होंने भी बहुत अच्छे बनाए हुए थे। हनुमान जी है, कैसे भाई साहब सब ठीक है? ये पूरा ये वाला सेक्शन देखते हुए ना, मतलब हर आदमी का एक अलग डिपार्टमेंट है, उससे क्या हो रहा है कि इतने सारे आइटम की क्वालिटी ने मेंटेन है, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी में इन्होंने सारा बोझ अपना डाल दिया हो। ये रबड़ी, अच्छा पूरी रबड़ी कप है यार, वाकई में जबरदस्त वैरायटी है, सब जगह फ्लेवर से। ये बंगाली स्वीट्स का भी बहुत बड़ा सेक्शन है, बस इतने सारी स्वीट्स की यार, ये सेक्शन पूरा स्वीट्स का है, हर आपको स्वीट्स मिल जाएगी, बंगाली स्वीट यहाँ पे राजस्थान में फेमस है वो मिल जाएगा, कप्स आपको मिल जाएंगे, ये रसगुल्ला और केसर का केसर रसगुल्ला पिकल, पूरा पिकल है इनका। और ये फिर से भैया ये मावे की कचौरी का सर्व कर रहे हो, आलू टिक्की ट्राई करेंगे, फिर अपन चलेंगे रेस्टोरेंट में, जब तक मैं ये ट्राई करता हूँ फिर अपन रेस्टोरेंट में चलते हैं, ठीक है? हमारा यार एक और प्लेट हमारी होने वाली, बस क्या गजब ग्रिल कर रहे हैं यार भाई साहब, ये अभी आपने स्टार्ट किया ना प्रवीण जी, पहले नहीं था ना ये? हाँ वाकई में ज़बरदस्त, एक मंथ हुआ इसको स्टार्ट किया था, और रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया भी कितना टाइम हो गया, वन मंथ हो गया ना, पहले नहीं स्टार्ट की हुई थी, पहले अपने इस चित्रों में हाँ हाँ वहाँ का था, डोसा बहुत अच्छा था यार। ये देखिए हमारी प्लेट बन रही है, इतनी चटनी देखो यार, कितनी गाढ़ी है, ज़बरदस्त इनका मसाला, और ये हमारा पनीर टिक्का, चलिए इसको ट्राई करते हैं, एकदम से इसको पूरा ग्रिल कर दिया, देसी घी डालते हैं ऊपर, क्या बात, हमारे जीजा जी को बहुत पसंद है, इंग्लैंड से आए हुए हैं तो पनीर टिक्का बहुत ज़्यादा पसंद है, पनीर बाकी में अच्छा सा बना देना भाई साहब, पहले पनीर टिक्का ट्राई करेंगे उसके बाद तो रोटी की ट्राई करेंगे, पनीर टिक्का ट्राई करते हैं, पनीर की क्वालिटी देखो कितनी सॉफ्ट है, देखो देखो क्या बात है, उसको ट्राई करते हैं, जबरदस्त। सबसे बड़ी बात इन्होंने जो मैनेशन किया ना वो एकदम प्रॉपर किया है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मैनेशन करते थे तो उसका जो पनीर का टेस्ट होता है वो चला जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पनीर पे देखिए पूरा मसाला कोट हो चुका है, देखिए एकदम प्रॉपरली इन्होंने कोट किया, अब इसको
पहले आपको बताइए कि मैं ऐसी ट्राई करता हूँ, उसके बाद हम लोग सिर्फ की तरह ट्राई करेंगे। चटनी देखिए, चटनी कोटी देखो कितनी गाड़ी है, जोर से आ गया, मज़ा आ गया। चटनी स्पेशल बने ऐसा लग रहा है, वाकई में काबिल तारीफ। और हम लोग ट्राई करेंगे, पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर उनकी आलू टिक्की ट्राई करेंगे, फिर चलेंगे ऊपर रेस्टोरेंट में। प्रवीण जी हमारे साथ ही हैं, बिल्कुल इन्होंने पूरा ध्यान रखा, हमारे पूरा गाइड किया पूरा अपना ये जनता स्वीट होम। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो आलू टिक्की हम लोग ट्राई करेंगे और शुद्ध देसी घी में बनी हुई आलू टिक्की यार। चलिए वो ले जा रहे हैं, कलर देखो यार जबरदस्त हो रहा है। पनीर टिक्का कैसा लगा आपको? जोरदार है, मस्त है। चटनी कैसी लगी साथ में? पीनी है, बहुत ठीक है। ठीक है ना? हाँ, मजा आ गया। ये को लेना है क्या आपको खाने के बाद? ये किसकी है? हमारी दो है ना? हाँ दो है ना। ये देखिए, ये हम लोग अंदर आ गए हैं और ये हमारी आलू टिक्की ट्राई बन रही है। देखिए क्या बात है। सबसे पहले क्या डालना है इसमें? ये छोले, छोले डालने आ रहे हैं यार, ज़बरदस्त। छोले की क्वालिटी देखो, सब कुछ गर्मा गर्म है यार। छोले इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे भैया इसमें? चटनी। चटनी देखो, चटनी की क्वालिटी देखो कितनी ठीक है यार। मीठी चटनी, मीठी चटनी चलेगी इसमें। प्याज और स्टाफ इतना बिजी है लेकिन फिर भी हमें पूरा इन्होंने कॉम्प्लीट किया हमारे साथ। टमाटर चले गए इसमें और क्या डालेंगे भैया? बस हो गया, रेडी है। तो चलिए बाहर चलते हैं। और कैसा लगा आपको पनीर टिक्का? कैसा लगा? अच्छा लगा। ये देखिए इनकी आलू टिक्की है और एकदम क्रिस्पी कर दी इन्होंने यार, देखो क्या बात है। और शुद्ध देसी घी में छोले चटनी और मीठी चटनी का कॉम्बिनेशन वाकई में ज़बरदस्त। मजा आ गया। ये चीज आपको ट्राई करनी है, ये चीज आपको ट्राई करनी तो आपको जनता स्वीट होम पे आना पड़ेगा, जो कि जल जोक पे इनकी लोकेशन है। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें। ये आलू आ गया, अभी आलू शुद्ध देसी घी में आलू की टिक्की वाकई में काबिल तारीफ। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट में खाना ट्राई। पूरा सेक्शन हम लोगों ने ट्राई कर लिया है। हम लोगों ने पनीर टिक्का ट्राई किया, हम लोगों ने इनकी आलू टिक्की ट्राई की। अब चलिए इनका फर्स्ट फ्लोर पे जो रेस्टोरेंट है वो ट्राई करते हैं। चलिए आ जाए फर्स्ट फ्लोर पर, इसकी चल जाएंगे नाफ्ट के बिना हम लोग जाएंगे। नहीं जगह तो पूरा ट्राई कर लिया था, माशाल्लाह काफी जबरदस्त था। हम लोगों ने बहुत जबरदस्त था हमारा, हम लोगों ने ट्राई किया, ट्राई किया, पूरा जबरदस्त था। हमने कहा चलो आपके रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, काफी मैं आपके पास में जा सकते हुआ है। और भगवान ने चार लाख और घर के लिए बना रहे जनता का सैंडविच तो आपको बताइए, बहुत सालों से हम लोग ट्राई करें, बहुत जबरदस्त पूरा इन्होंने कवर किया। पूरा बना रहे हैं,
और चलिए दिखाते हैं आपको। ये क्या बनाते हैं भाई? आप क्या बनाते हैं? डोसा साउथ इंडिया। डोसा पूरा अच्छा, डोसा जनता का बहुत ही फेमस डोसा है। हमारे साथ का बड़ा देखो यार, पेट ही भूल जाएगा हमारा तो। एक ही डोसा में दाल बाटी चूरमा। अरे क्या बात है, स्पेशल दाल बाटी चूरमा। आप बनाते हैं यहाँ पे? क्या बनाते हैं? दाल बाटी चूरमा। ये लो दिखाएं हमको, दिखाएं भैया दाल बाटी चूरमा दिखाएं। ये देखिए पूरा दाल बाटी चूरमा का इन्होंने काउंटर यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए ये चूरमा, ये बाटी है, ये चूरमा है, ये बाटी है। मतलब मीठा भी मिल जाएगा और नमकीन भी मिल जाएगा। दाल भी यहाँ पे रखी है, पुलाव है इनका। और पीछे देखिए वहाँ पे उनका जो है ना, जो फेमस जो डोसा है। हमारे मैनेजर जी, मैनेजर जी क्या नाम है सर आपका? महेश जी। महेश जी अच्छा, मतलब हर एक सेक्शन के अलग मैनेजर है। अभी तो इतना अच्छा मेंटेन हुआ है ना। चलिए ऊपर चले प्रवीण जी, बैठते हैं और फिर हम लोग ऑर्डर देते हैं, ठीक है? ये देखिए हम लोग इनके एक और सेक्शन आ गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा हमारा, यहाँ पे देखिए पूरा इनका यहाँ भी सेक्शन है। एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं प्रवीण जी? रवि जी ने पूरा गाइड किया। चलिए बैठते हैं भाई, चलिए सर्विस है, सेल्स सर्विस आपको, मतलब यहाँ पे खुद जाके नीचे ऑर्डर देना पड़ेगा। चलिए पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं। प्रवीण जी हमारे साथ पूरे साथ हमेशा साथ मेरे, पूरा इन्होंने टूर हमको करवाया। अब हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। रवा डोसा तो मेरा फेवरेट है ही, यहाँ पे सैंडविच भी फेवरेट है। और देखते हैं और क्या क्या नई चीज़ लेंगे। प्रवीण जी देखिए पूरा मेन्यू हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा नॉइज़ी यहाँ पे, तो मेन्यू आपको दिखाना तो है, लेकिन मैंने कहा यहाँ आओगे तो आप पूरा मेन्यू आपको दिखा देंगे। वैसे हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, देखिए पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं। इनके पास में इडली है, आपको छोले भटूरे मिल जाएंगे, बर्गर मिल जाएगा, जनता स्पेशल पराठे मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे स्पेशल थाली मिल जाएगी, दाल बाटी चूरमा है, चाइनीज है। हम लोग इनका जनता स्पेशल का जो सैंडविच है वो ऑर्डर करेंगे, और साथ साथ में इनका रवा डोसा जो बहुत ही फेमस है, मेरा फेवरेट है, वो दो चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर कर दी है। और साथ साथ में बच्चे देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे देखते हैं रवा डोसा कैसे बनाते हैं। तीन रवा डोसा, दो सब कुछ डाल देना, उसके बाद आप तो दो प्लेन डोसा, ठीक है? हाँ प्लेन, एक रवा में ही रह गया नहीं, रवा 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 रहेगा, तीन तो जो रवा मसाला आपका बेस्ट है वो, और दो प्लेन रवा मसाला, बस वही प्लेन रवा, और एक मंचूरियन चाउमिन कर देना, प्लेन मंचूरियन नहीं, चाउमिन चाउमिन नूडल्स, और दो आपके जनता स्पेशल सैंडविच। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कैसे चलते हैं और देखते हैं ये लाइव इनका जो 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 रवा डोसा है वो कैसे बनाते हैं। देखिए जनता वालों का रवा डोसा आपको बताएंगे, एकदम लाइव बना रहे हैं, देखिए क्या बात है। ये देखिए पूरा रवा डोसा ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं, और हमने भी ऑर्डर दिया है, और जनता का रवा डोसा बहुत ही फेमस है। ये भाई साहब को मैंने बाहर से देखा था, कितना टाइम हो गया आप लोग यहाँ पे बनाते हैं? 8-10 साल। 8-10 साल हुआ है, देखिए जबरदस्त। ये पूरा इनका किचन है, देखिए यहाँ पे इन्होंने आलू का पूरा मसाला यहाँ पे लगाया हुआ है। हम लोग जनता के किचन में है, देखिए जबरदस्त पूरा बना रहे हैं डिपार्टमेंट। ये देखिए लाइव सब कुछ लाइव बन रहा है। वहाँ पे क्या बना रहे भैया? छोले भटूरे बना रहे हैं क्या? बताएं बताएं। ये देखिए गर्मा गर्म छोले भटूरे के, छोले सॉरी भटूरे। ये देखिए जनता स्वीट होम के किचन में है हम लोग, और वाकई में जबरदस्त। ये देखिए भैया चाउमिन बनाते हैं, चाउमिन तो हमारी बन रही है। हाँ ये देखिए तैयार हो चुका है गर्मा गर्म भटूरा। तो चलिए देखते हैं हमारा वो पहले जनता का जो फेमस जो सैंडविच है, तीन लेयर का सैंडविच है। देखिए एक में तो इन्होंने आलू की स्टफिंग की होगी, देखो आलू है इसमें, और ये जो सॉस इन्होंने बनाई है वो भी यहाँ पे इसमें सब में वो चीज़ इन्होंने यूज़ की है। चलो और एक में वेजीज है, चलो उसको ट्राई करते हैं। आलू वेजीज जबरदस्त, थोड़ा सा स्वीट जब
और भी आ रहा है, इन्होंने जो उसका जो सॉस जो बनाई है उसमें थोड़ा बहुत स्वीटनेस दिया, बाकी में काफ़ी ज़बरदस्त है। आज भी इनकी क्वालिटी पूरी मेंटेन है। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी लेकिन काफ़ी लाउड है यहाँ पे, फिर भी हम लोग कोशिश करें कि हम लोग आराम से जो रवा डोसा है वो देखिए, ज़बरदस्त क्रिस्पी यार, पूरा खोल के दिखाता हूँ मेरे। ये देखिए इनका मसाला है पूरा, पूरा घी में बना हुआ ये डोसा। चलिए इसको ट्राई करते हैं। असली रवा डोसा यार, असली रवा डोसा, वाकई में बहुत ज़बरदस्त। सामने के साथ डाल डाल के वो लोग बनाते हैं, कटोरी का अलग बनता है, इसलिए इतना जालीदार बनता है। देखिए पूरे प्याज है इसमें, काजू है, मिर्ची इन्होंने कटिंग करके डाली है, पूरा ज़बरदस्त मैरिनेशन, मतलब उसमें मसाले डाले हैं। अब इनका चटनी ट्राई करते हैं। साथ में भी टमाटर की भी चटनी ट्राई करते हैं। मजा आ गया। चलिए पूरा खत्म करते हैं, उसके बाद इनके नीचे डेजर्ट का भी सेक्शन है, वो भी हमारे जीजा जी कह रहे हैं कि वो भी ट्राई करना है। पूरा खत्म करते हैं उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं नीचे चल के। भी ट्राई कर लेते हैं। खाना तो हम लोगों ने खा लिया यार, बाकी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। अब लास्ट में बर्फ़ का गोला ट्राई करेंगे। तो मैं ट्राई करूँगी, अच्छा ट्राई करेगा। रोज खस केवड़ा पाइन एप्पल पान गुलकंद चॉकलेट जीरा काला खट्टा ऑरेंज ऑरेंज भी है ऑरेंज और इसका कौन सा है भाई ऑरेंज और रोज रोज और ये ऑरेंज जबरदस्त। तो अब इसका गोले का रिव्यू करेंगे। अशल और ताता कैसा लग रहा है आपको? आपने तो पहले खा लिया ना, कैसा? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा, और खाना कैसा लगा? ज़बरदस्त। अब आप ट्राई करो। मस्त। और डोसा कैसा लगा आपको? अच्छा था, ज़बरदस्त। तो चलिए बस अब इसके बाद हम लोग वीडियो खत्म करेंगे। यहाँ पे चाट जाएगी और ऊपर जो रेस्टोरेंट में जो खाना था वो भी काफ़ी ज़बरदस्त था। हमने वहाँ पे डोसा ट्राई किया और क्या के लिए तो सैंडविच लिए थे। पूरा हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें। चलिए बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो खत्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।